वेलकम बैक इन रेस्ट भाई। आज मैं रेस्ट करने वाला था बट वर्कआउट करने का मन हुआ और काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम कर रहा है तो वर्कआउट करने चले आए भाई। और भाई कल भी बारिश हुआ था और आज सुबह थोड़ा बहुत बारिश हुआ था जिसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है पिछले दिनों के मुकाबले में। तो आज वर्कआउट करने में उतना थकान भी महसूस नहीं हो रहा है। पिछले दिन मैंने साइड फ्लिप को प्रैक्टिस किया था भाई वे हार्ड तरीके से, और आज भी मैं फिर से साइड फ्लिप को करने वाला हूँ। तो आज होगा डे टू साइड फ्लिप का। तो चलो ज़्यादा ना बकते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करने से पहले ये थोड़ा बहुत कार्टव्हील और एरियल वगैरह अटेम्प्ट कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो जाता है। फिर मैं साइड फ्लिप को अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा माइंड में वो चीज़ कनेक्ट होता है, फिर मैं कर पाता हूँ वो। और भाई तुम भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे कि तुम्हारा कोई हार्ड ट्रिक ले लो, वो ट्रिक को अटेम्प्ट करने से पहले तुम कोई छोटा मोटा फ्लिप वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर जाके वो हार्ड ट्रिक को करते हो, क्योंकि उससे तुम्हारा थोड़ा सा डर कंट्रोल बैठता है और फिर जाके वो चीज़ करने में थोड़ा सा इजी मिलता है भाई, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई अभी बात करते हैं हमारा प्रैक्टिस के ऊपर। इस पॉइंट पे मेरा पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था भाई, और मुझे लग रहा था कि मुझे फुल पावर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस पैर स्लिप हो जाए फुल पावर लगाने के टाइम तो मैं बहुत बुरी तरीके से गिर सकता हूँ और मेरा इंजरी हो सकता है। पर भाई मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि मेरे को तो साइड फ्लिप अटेम्प्ट करना ही है फुल पावर के साथ, जो भी हो जाए भाई, और मुझे सीखना ही है एक महीना के अंदर, क्योंकि मैं अपने आप से एक टारगेट ले बैठा था और मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम था बहुत दिनों से कि मैं साइड फ्लिप को सीखूँ अच्छे तरीके से और स्टैंडिंग खड़ा हूँ भाई। बट ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा था। मैं एक बार अटेम्प्ट कर रहा था और दो दिन गायब, फिर एक जाके एक दिन अटेम्प्ट कर रहा था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डाउन हो गया और मैं करना ही छोड़ दिया एक टाइम के लिए। तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं करूँगा और एक महीने के अंदर मेरे को ये साइड फ्लिप को सीखना है, एक डेडलाइन मैंने सेट कर दिया। इससे भाई मेरा माइंड में एक प्रेशर बना रहेगा कि इस टाइम लाइन तक मेरे को साइड फ्लिप को सीखना ही है और मैं कोई भी डे स्किप नहीं कर सकता। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रोग्रेस काफ़ी दिनों से स्लो हो चुका है, मतलब कि मैं कुछ नया चीज़ें सीख नहीं रहा हूँ और मेरा कुछ भी इम्प्रूवमेंट वैसा नहीं हो रहा है, जिसके लिए तो भाई मैं अभी से पूरा सीरियस हो चुका हूँ कि मेरे को कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट करना ही है। कुछ चीज़ें क्या, बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्प्रूवमेंट करना है, और बहुत सारा फ्लिप हो गया उसको भी सीखना है, जिसके लिए तो मैं स्लो डाउन करते ही नहीं होने वाला हूँ। और भाई मैं दम लगा के और फोकस करके मेहनत करने वाला हूँ हर एक फ्लिप को सीखने के लिए, और मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उससे मैं अपना प्रोग्रेस आप लोगों को शेयर करूंगा, जिससे आप लोग भी कुछ सीख पाओ। और अगर तुम लोग भी प्रोग्रेस करना चाहते हो मेरे वीडियोस को देख के, तो भाई तुम भी डेली प्रोग्रेस कर सकते हो मेरे साथ ही। भाई तुम एक चीज़ देखो कि मैं यहाँ से दौड़ के आ रहा हूँ, यहाँ पर बाउंस बैक करके यहाँ पर लैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा खड्डा हो रहा है देखो। ये खड्डा तो अभी मेरे को मज़ा आ रहा है, मतलब करने में कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, लग भी नहीं रहा है पैर में। बट कल जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखूँगा कि अगर सूरज उगेगा तो सूरज इसको पूरा एकदम हार्ड बना देगा, फिर मेरे को खोदना होगा, उसमें डबल मेहनत हो जाएगा भाई। बट देखना कल अगर वीडियो बनाऊँगा तो देख लेना। दोस्तों इस पॉइंट पर मैं जितना भी अटेम्प्ट करने वाला था उसमें मैं अपना फुल पोटेंशियल और एनर्जी लगाने वाला था, और मैं सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगा के थोड़ा सा टक ऐड कर दूं तो मेरा लैंडिंग शायद हो सकता है, और इसमें मैं लैंड हो भी गया था भाई। और ये मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न तरीके का लग रहा था, बट ये कैसा फ्लिप था भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतना इजीली लैंड कर ले रहा था ये फ्लिप में, देख सकते हो एकदम स्टैंडिंग। ओ भाई स्टैंडिंग लैंडिंग भाई, यस। मेरा इस टाइम कितना खुशी हो रहा था मैं आपको बोल के तो बता नहीं सकता, बट आप ऐसे समझ सकते हो कि एक प्यासे को एक नदी मिल चुका है। इतनी खुशी तो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। वो मीम वाला मैं डुप्लीकेट करने का कोशिश कर रहा था भाई। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को ये वाला लैंड कर गया। यस भाई फाइनली लैंड कर लिया भाई, पर ये साइड फ्लिप था या नहीं था ये मेरे को मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और मैं वीडियो भी नहीं देखा कि ये मैं कंसीडर कर सकूं कि ये साइड फ्लिप है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये साइड फ्लिप जैसा हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था। मेरे को तो थोड़ा बहुत फ्रंट फ्लिप जैसा ही लग रहा था पहले जब कर रहा था, उसके मुकाबले में ये थोड़ा बेटर होगा,
ये सब मुझे लगता है भाई। अब तो वीडियो देखूंगा तभी पता चलेगा। अभी मैं इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया हूँ, फिर भी मेरे को उतना ज़्यादा दम नहीं लग रहा है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा कम है भाई। मुझे लगता है कि ये वन लेग साइड फ्लिप होगा क्योंकि दोस्तों मैं एक लेग को पहले इधर रख रहा हूँ और फिर दूसरा लेग से स्विंग लेते हुए टक्कर रहा हूँ और लैंड, और मिट्टी बहुत गीला है ना, इसलिए मतलब कॉन्फिडेंस बूम हो जा रहा है एकदम एक बार लैंड करने के बाद भी। और पैर में चोट नहीं लग रहा है, ये वाला सिर्फ लग रहा है मिट्टी वगैरह। तो भाई आज का प्रोग्रेस है यहाँ तक ही, मैं इसके बाद फ्रंट फ्लिप और वेव स्टार मैं ट्राई करूँगा, फिर जाऊँगा साइकिल से घूमने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।